हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, हेलो, माय नेम इज़ मनीषा। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय, आई रियली अप्रिशिएट। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना और अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली कर देना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैंने ये जो मेकअप लुक क्रिएट किया है स्पेशली फॉर करवा चौथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा वेयरेबल भी है। प्रोडक्ट लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबसे पहले मैं अपने फेस को थोड़ा सा हाइड्रेशन दूंगी आसफा हलाल मिस्ट के साथ। उसके बाद मैं NYB का ये फेशियल ऑयल को अप्लाई करूंगी, अपने पूरे फेस को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज कर दूंगी। उसके बाद मैं लगा लूंगी वादी का ये लिप बाम। स्किन प्रेप मेरा हो चुका है, उसके बाद मैं मेकअप को स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले आता है प्राइमर की बारी, और आज मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का ये ड्यूई फिनिश प्राइमर, जो कि एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो भी देता है। एंड देन मैं अप्लाई करूंगी मैक का ये स्टूडियो फिनिश फाउंडेशन, और मेरी वाली जो शेड है वो है NC42। सभी जो प्रोडक्ट लिंक्स होगा वो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो प्लीज़ डू चेक इट आउट। उसके बाद मैं लगा लूँगी एले गर्ल का ये प्रो कंसीलर, एंड आई एम इन द शेड मीडियम बेज। और फाउंडेशन की तरह ही इसको भी मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरीके से ब्लेंड आउट कर दूंगी। उसके बाद मैं अपने कंसीलर को सेट करूंगी वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो कंटूरिंग पैलेट के साथ। सबसे पहले आता है बनाना पाउडर, एंड देन मैं अप्लाई करूंगी उसी पैलेट से ब्रॉन्जर, और अपने पूरे फेस को ब्रॉन्ज अप कर लूँगी। एंड जहाँ पे भी मैंने कंसीलर को अप्लाई किया था उस पर मैं इस बनाना कॉम्पैक्ट पाउडर को अप्लाई कर दूंगी। अभी आती है ब्रॉन्जर की बारी, अपने पूरे फेस को मैं एक चिजल्ड लुक दे दूंगी ब्रॉन्जर अप्लाई करके। अपने नोज को भी कॉन्टूर कर लूंगी, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू कॉन्टूर योर नोज। आईब्रो को डिफाइन कर लूंगी पैक आईब्रो डिफाइनर के साथ। आई शेडो पैलेट मैंने लिया है ये हुडा ब्यूटी का रूबी ऑब्सेशन पैलेट, जो कि ब्यूटीफुल पैलेट है, बहुत ही अच्छी इसकी पिगमेंटेशन भी है। एंड आप देख ही सकते हो ये वाली शेड को लेके आहिस्ता से धीरे धीरे मैं अपने पूरे आईलिड पे अप्लाई कर दूंगी। अपने लोअर लैश लाइन पे भी इसी सेम शेड को अप्लाई कर दूंगी, एंड देन मैं उसी लाइट शेड को लेके अपने जो क्रीज लाइन है उस पर इसको अप्लाई कर दूंगी, एंड अच्छी तरीके से ब्लेंड आउट कर दूंगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। उसके बाद मैं इसी शिमर शेड को लेके अपने मिडिल ऑफ माय आईलिड पे इसको अप्लाई कर दूंगी थोड़ा सा ग्लॉसी इफेक्ट लाने के लिए। अभी मैं उस लाइट शिमरी शेड को लेके अपने इनर कॉर्नर पे एंड माय ब्राउ बोन पे इसको अप्लाई कर दूंगी। आईलाइनर मैंने लिया है एरिस्टेट फॉर ओवरस्टे वाटरप्रूफ आईलाइनर फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स। काजल इज फ्रॉम आल्सो शुगर कॉस्मेटिक्स, एंड ये है हेवी ड्यूटी कोल काजल पेंसिल। अभी मैं लगा लूँगी मस्कारा, एंड दिस इज़ फ्रॉम मार्स, और अच्छी तरीके से अपने अपर लैश पे और लोअर लैश पे इसको अप्लाई कर दूँगी। अभी मैंने लिया है एले कलर्स का ये ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट, और इसी से मैं अप्लाई कर दूँगी ब्लश एंड हाइलाइटर। अभी आती है हाइलाइटर की बारी, और अपर पोर्शन ऑफ माय फेस जहाँ पे भी हाइलाइटर लगाते हैं अच्छी तरीके से मैं अप्लाई कर दूंगी।
अभी मैं लगा लूँगी माई फेवरेट रेड लिपस्टिक एंड दिस इज़ फ्रॉम माई ग्लैम एंड दिस इज इन द शेड DM स्लाइट ब्यूटिफुल फॉर्मूला ब्यूटिफुल शेड. एंड फाइनली मेकअप को सेट करूंगी पैक माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सिंग स्प्रे के साथ. एंड दिस इज द फाइनल लुक गाइज. आई होप यू गाइज लाइक इट. और अगर आपको इतना सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक देना बिल्कुल भी मत भूलना. एंड प्लीज़ टू कॉमेंट, किसी भी बारे में कुछ भी जाननी हो प्लीज़ टू कॉमेंट. एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना. एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब, इट विल मीन अ लॉट टू मी. और बगल में वो जो छोटी सी घंटी है उसको भी डेफिनेटली प्रेस कर देना. आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे. सभी चीज़ों का जो लिंक है वो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो प्लीज़ डू चेक इट आउट. और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय गाइस.